और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में एलजी मनोज सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं, रविंद्र रैना भी आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जितेंद्र सिंह भी आपको इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से रविंद्र रैना इस वक्त नहीं है, लेकिन ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलजी मनोज सिन्हा से कुछ बातचीत करते हुए, कुछ पूछते हुए, और उसके बाद सबसे वो हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। और अब देखिए जैसे ही हाथ उठाया सीटियां बजने लगी, मोदी मोदी के नारे बजने नारे लगने लगे, और लोग देखिए अपनी कुर्सियों से अब उठ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं और आप लोगों के बीच में जोश और उमंग देखिए, लोग अचानक इतने एक्साइटेड हो चुके हैं, सब अपनी कुर्सियों पर खड़े हो चुके हैं और अब वो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ, उस इलाके की तरफ देख ले जहाँ पर वो मौजूद है। अपनी कुर्सियों पर बैठने की बजाय लोग कुर्सियों पर खड़े हो गए हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर, जहाँ अमन और तरक्की की नई तस्वीर पेश करने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कोशिश हुई है वही बताने की यहाँ पर एक पहल होगी, जहाँ पर कुछ 53 प्रोजेक्ट्स लगभग 6,500 करोड़ रुपए के जो है वो जनता को डेडिकेट किए जाएंगे। और यहाँ पर इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट जो है आप उसे पूरा कीजिए ना, मोदी जी आ गए। आपने मोदी जी को हेलो कहा? अभी तक तो नहीं, आप आ जाओ फिर कह दूंगा। ये देखिए लोग बच इंसान के अब जब पहुंच चुके हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खाने बस, या एक झलक को देख लें, नई तस्वीर, ये बदलते कश्मीर बदलती तस्वीर आप इसको समझिए। क्योंकि इससे पहले तक कल जिन लोगों से मैं बात कर रही थी, जो दाइश नेता है वो भी जो है वो लाल चौक नहीं जा सकते हैं, लेकिन आम जनता, आम कश्मीरियों से जो बात कर रहे हैं वो ये बताता है कि उन्हें अपने वादों के पूरा बहुत तसल्ली से इस वक्त एक एक कोना जो है जहां पर कश्मीर की जनता मौजूद है और नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो कब यहाँ पर आएंगे और लोगों से मुखातिब हुए। लेकिन वहाँ से मन से कहा जा रहा है कि हमारी वो हसरतें जो अब तक दबी हुई थी, वो हसरतें, वो तमन्नाएं जिनका जिक्र तो हर बार होता था लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया जाता। और अब उपराज्यपाल जो है मंच पर अपनी बात रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का इस्तकबाल करेंगे, कश्मीरी शॉल देकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए कश्मीरी फेरन में, वहाँ पर बच्चियाँ मौजूद हैं जो यहाँ के कल्चर, यहाँ की परंपरा को बार बार, ये हमारी मोहब्बत की एक छोटी सी अक्कासी है, झलकाने की कोशिश कर रही है। अब कुछ देर के लिए मैं आपको मंच की इन तस्वीरों के साथ छोड़ रही हूँ, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो रहा है आपको एहसास होगा कि आगे का कार्यक्रम जो है वो मंच से कैसे आगे बढ़ेगा। मनोज सिन्हा जी अब आए हैं पोडियम पर और वो वेलकम स्पीच देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। पक्षी स्टेडियम की तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मंच पर देख पा रहे हैं और इनके साथ साथ आप गड़गड़ाहट और तालियों की गूंज भी सुन पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए, अभिनंदन स्वीकार किया और तमाम पक्षी स्टेडियम में जो लोग मौजूद हैं आप देखिए कैसे कुर्सियों से उठ खड़े हुए हैं, वो एक झलक पाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देंगे। और एलजी मनोज सिन्हा कुछ कह रहे हैं, आपने देखा भी मंच पर जितेंद्र सिंह और मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं
वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस बीच हमने आपको नए कश्मीर की वो तस्वीरें भी दिखाई कि कितना उत्साह अब युवाओं में, महिलाओं में यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये वो कश्मीर नहीं है, ये बदला हुआ नया कश्मीर है। अब तमाम लोग जो हैं बस उनको इसी बात का इंतजार है कि कब जो है एलजी साहब अपनी बात रखेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से मुखातिब होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो लगभग यहाँ पर कुल मिलाकर जो यहाँ उनका स्टे है वो 1.5 से 2। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पिछले 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए आपने अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। देश का मुकुटमणि आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के शैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही है। जहां आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बताना कि प्रधान ग्राउंड बना था, इसकी बाउंड्री बनी थी, जिसे बक्सी स्टेडियम कहा जाता था। 2014 में जब प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, तबाह करके आपने बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से मदद की, वादी के लोग अभी भी उसे याद करते हैं। और पीएमडीपी के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए जो आपने दिए थे, उसी से फीफा स्टैंडर्ड का ये स्टेडियम बना, जिसमें 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा 25,000 कुर्सियां लगी हैं। लेकिन जिस तरह से वादी के लोग आज आपको देखने और आपके स्नेह से आकर्षित होकर आए, यहां तो खचाखच भरे हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बगल में इंडोर स्टेडियम है, वो भी पूरी तरह भर गया है। SKICC के अंदर का हाल भर गया है, बाहर 10,000 लोग खड़े हैं और बाकी लोगों को हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर 2 लाख का भी कोई मैदान होता तो कश्मीर मन में है। कमजोर वंचितों को अधिकार मिला है, बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा है, महिला सशक्तिकरण का स्वप्न सच्चाई में बदला है, युवाओं को मजबूत बनाने में आपकी योजनाओं के कारण हमें सफलता मिली है। कश्मीर से आपका जो लगाव है, मन की बात में सभी विषयों पर आप चर्चा करते रहे हैं, चाहे वो नदड़ू की बात हो, स्नो क्रिकेट की बात हो, या टूरिज्म के प्रमोशन की बात हो, या हमारे केसर के किसानों की बात हो, या पश्मीना के प्रमोशन की बात हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर की प्रगति में एक बड़ा भारी योगदान रहा है। खेल हो या खेत का मैदान, इंडस्ट्री हो या आईटी सेक्टर हो, रोजगार हो या आधुनिक शिक्षा, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो या सीमावर्ती गांवों में रहने वाला मजदूर और गरीब हो, सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से आपके कारण जाल बिछाया गया है, अभूतपूर्व है। मैं समय नहीं है कि मैं डिटेल बताऊं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो कश्मीर के आसपास हो रहे हैं उनका जिक्र करना एक मिनट में मैं मुनासिब समझता हूं। 2378 करोड़ से ज्यादा लागत रुपए से ज्यादा लागत से जेड मोड टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जो जिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड सोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444
849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगाम फ्लाईओवर, ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड, ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला कुपवाड़ा तंगधार NH701, इसकी भी स्वीकृति अभी हाल ही में मिली। तो ये केवल कश्मीर वैली में 26,300 करोड़ की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आपके कारण चल रही। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करता हूं तो पिछले 4 वर्षों में 3440 करोड़ रुपए की लागत से 4926 किलोमीटर सड़क बनाने में और 500 आबादी के हर गांव को सड़क से जोड़ने में आपके कारण हमें सफलता मिली। नाबार्ड के अंतर्गत कुल 2531 करोड़ की लागत से 428 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। श्रीनगर की स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो 1000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, कि यूरोप के शहरों में जिस तरह से पेडेस्ट्रियन मार्केट होती है, उस तरह की पेडेस्ट्रियन मार्केट आज उस श्रीनगर स्मार्ट सिटी के कारण श्रीनगर के लोग नहीं बल्कि देश से आने वाले पर्यटक देख रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके कारण व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा है। झेलम का रिवर फ्रंट आज आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अनेक इस तरह के काम, और इसलिए आदि शंकराचार्य, योगिनी ललेश्वरी, शेखुल आलम की तपोभूमि में आपका हृदय से स्वागत हम करते हैं। आज भी पवित्र हजरत बल श्राइन का एकीकृत विकास परियोजना, सोनमर्ग में इसकी ड्रैग लिफ्ट और जम्मू कश्मीर के लिए 5013 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास योजना का अभी आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में लंबे समय के फासले को कम करते हुए आवाम के कमजोर वर्ग, वंचित समुदाय, आदिवासी भाई और पिछड़े वर्ग को विकास के मुख्य धारा में आपके कारण जोड़ा जा सका है। आज हमारे पहाड़ी भाई भी बड़ी संख्या में आए हैं। 40 साल से जो उनकी मांग थी आज वो पूरी हुई है आपके कारण। और इस बात का आपने विशेष ध्यान रखा है कि पहले से जो हमारे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना भाई थे, उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए उन्हें भी सुविधा दी गई। ऐसे ही अति पिछड़ा समुदाय के लोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण आपके कारण मिला है। उस वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा है। आपकी योजनाओं के कारण 8,00,000 से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। लखपति दीदी की आप चर्चा करते हैं, 8,00,000 से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और आपके सपने को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। 2021 में मुझे याद है पंपोर के किसान भाई अब्दुल मजीद वानी से अब वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। उन्होंने आपने पूछा कि मैंने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने को कहा है, तो उन्होंने मजीद वानी साहब ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो 2021 है, हमारी आमदनी 3 गुनी हो गई है। ये सब परिवर्तन पिछले 4-5 वर्षों के हैं। और मैं कहना चाहता हूं माताओं बहनों का मौलिक अधिकार ही नहीं मिला है बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान हमारी माताओं बहनों और नौजवानों का है।